वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज मैं आप लोगों को स्वागत करती हूँ मेरी किचन में, जो कि आज मैं बनाने वाली हूँ नमक पड़ी, जो बहुत ही टेस्टी एंड बहुत ही क्रिस्पी टाइप का होगा और आप बहुत ही इजी तरीके से बना सकते हैं। स्पेशली इस कोरोना टाइम में आपको बाहर से खरीदना ना पड़े, आप घर पे ही बना के एंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं इसे कैसे बनाना है। लेट्स गेट वीडियो स्टार्टेड। तो मैंने यहाँ पर 2 कप भर के मैदा लिया है। मैदा को आपको अच्छे से छान के लेना है ताकि कुछ इंग्रेडिएंट्स वहाँ पर रह ना जाए। फिर यहाँ पर मैंने यहाँ पर मीठा सोडा यूज़ किया है, जो हमारे निमकी को बहुत ही अच्छा सा स्मूथ एंड क्रिस्पी बनाने में हेल्प करे। फिर यहाँ पर इलायची के दाने कुछ दे दिया। फिर 1/2 कप शुगर ऐड करना है। फिर सारे इंग्रेडिएंट्स को आप अच्छे से मिक्स कर लें। फिर वहाँ पर आप रिफाइंड या घी भी यूज़ कर सकते हैं डाल के। फिर अच्छे से ये मिक्स करना है आपको। अच्छे से मिक्स होने के बाद आप देखेंगे हाथ में थोड़ा चिपचिपा सा होगा, उस टाइप का हो जाएगा और थोड़ा सा येलो कलर टाइप का होगा। इसका मतलब ऑयल और मैदा अच्छे से मिक्स हो गया है। फिर आप अब मैदा के हिसाब से वाटर ऐड करके एक उसका डो बना लें। ना चाहिए बहुत ही सॉफ्ट होना है, जैसे आप देख रहे हैं मैं फिंगर्स के हेल्प से प्रेस करके आपको दिखा रही हूँ। फिर आप इसे टिश्यू पेपर या कॉटन क्लोथ से आप 10 मिनट्स के लिए इसे रख दें। 10 मिनट्स होने के बाद ये और ही ज़्यादा स्मूथ सॉफ्ट मुलायम बन जाएगा। फिर आप इसे 2 पोर्शन में डिवाइड कर दीजिए। अगर आपने ज़्यादा थोड़ा मैदा के डो बना रहे तो आप 3 पोर्शन में डिवाइड कर सकते हैं। मैंने 2 पोर्शन में लेके 1 पोर्शन लेके फिर 1 पोर्शन बॉल में वापस मैंने कवर करके टिश्यू पेपर से रख दी। फिर हम इसमें ऊपर और नेक्स्ट पार्ट में हम ऑयल लगा के एक चपाती की तरह इसे बेल देंगे। ये चपाती गोल होने की कोई जरूरत नहीं, गोल नहीं होगी तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इस बात का आप ध्यान रखिए, ये चपाती थोड़ा पतली होना चाहिए, मोटा नहीं होना चाहिए। फिर हम इसे चाकू के हेल्प से स्मॉल पीसेस में हम कट कर देंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं उस टाइप का आप कट कर सकते हैं, या फिर अगर आप अलग शेप देना चाहें तो आप अपने जो भी शेप देना चाहते हैं उस हिसाब से आप कट कर सकते हैं। या आप देख सकते हैं कितना पतला स्मॉल पीसेस बन के तैयार हो गया है। फिर नेक्स्ट जो डो था उसका भी मैंने एक चपाती टाइप बेल लिया है। ये भी गोल नहीं हुआ है, आप देख सकते हैं। फिर ये भी पतला होना ज़रूरी है। फिर इसका मैं अलग शेप दूंगी। जैसे कि आप देख रहे हैं मैंने एक छोटा सा ग्लास लिया है और उससे प्रेस करते गोल टाइप का राउंड शेप का कट कर लिया है। ये राउंड निमकी बन के तैयार हो जाएगा, बहुत ही सुंदर गोल टाइप का ये निमकी तैयार होगा। आप भी इस तरीके से करें। फिर ये जो एक्स्ट्रा जो निकल गए वो निकाल दीजिए। फिर इसे आप देखिए कितना पतला और बहुत ही सॉफ्ट सुंदर और गोल बन के तैयार है। मैंने तेल पहले ही गर्म होने के दे दिया है। मीडियम फ्लेम में आप कढ़ाई को रख के फिर इसे आप फ्राई कर लीजिए। जब तक गोल्डन ना हो तब तक आप निकालना मत। गोल्डन होने के बाद फिर इसे आप निकाल लीजिए। सो फ्रेंड्स,
हमारा यह जो नीमकी है वो गोल्डन कलर में हो गया है और हम इसे निकाल रहे हैं। आप देख सकते हैं कितना ही सुंदर एक कलर बाहर निकल के आया है। देन जो हमने स्मॉल स्मॉल पीसेस में कट किया था उसे हमने लो फ्लेम मीडियम में करके इसे फ्राई कर रहे हैं। इसे हम अच्छे से फ्राई होने देंगे गोल्डन कलर। सो गाइस ये गोल्डन कलर का हो गया है, फिर हम इसे निकाल देंगे। सो गाइस आप देखिए ये कितना अच्छा और कितना क्रिस्पी टाइप कुरकुरे टाइप बनके तैयार हुआ है। मैं एक आपको तोड़ के दिखाती हूँ। सो गाइस आप देखिए कितना मुरमुरा टाइप कुरकुरा टाइप हुआ है। यानी राउंड शेप वाला नीमकी बहुत अच्छा लग रहा है दिखने में, पर खाने में भी बहुत मजा आएगा। आप इसे मैं आपको तोड़ के दिखा, आप देख सकते हैं कितना कुरकुरे टाइप का हुआ है। सो गाइस इसे आप घर पे बनाइए। सो गाइस आप इसे चाय के साथ सर्व कर सकते हैं, खा भी सकते, खाने में बहुत अच्छा लगेगा। सो गाइस आज मैं जो भी बताया आप एक बार जरूर ट्राई करें और आपको ये कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड साथ ही बेल आइकन पे प्रेस करना, तो मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं आप तक नोटिफिकेशन जरूर पहुंच जाए। और लाइक शेयर भी करें। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब